सेक्टर में जॉब कर रहे थे और तुम लोग उस समय कितना था सर? प्राइवेट सेक्टर अभी जो सर सर बिजनेस भाई प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस सेक्टर का नहीं होता क्या? कितना ऑफिस का भाड़ा? 80 जो भी है बहुत कमा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कमा रोहित भैया लेकिन 25,000 इंटरनल में काम करते थे और जो आदमी 80,000 किराया देता था वो समझ लीजिए कि इनकम कितना रहा होगा। प्लेसमेंट एजेंसी चलाते थे, फिर इनका मन सरकारी नौकरी की तरफ आया तो रोहित जी हमारे यहाँ पढ़े और इनका आखिरी साल था ना, था एक साल आखिरी साल था, ये हताश हो गए, बोले हमसे नहीं होगा हम छोड़ने जा रहे हैं। उसी साल में इनका एक साथ 3-4 जगह हुआ, 3 जगह हुआ, बंगाल में हुआ, बंगाल सरकार का, और CAG में था, मतलब वो क्या CDA मतलब डिफेंस का है, और उसके बाद रेलवे में हुआ। तो रेलवे में गए और अनुवाद जैसे अभ्यास हम कराते हैं आप लोगों को ऐसे ही कराते थे। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है कलकत्ता में, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में ये मतलब पूरे भारत से आते हैं लोग अलग अलग एरिया के। नंदिनी हमारे यहाँ की थी और ये CAG में है और रोहित जी 3 मेडल मिलता है, 2nd 3rd मेडल हमारे घर आया, तो इसके लिए बधाई और ये आप लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम करेंगे। इनको देख चुका मेडल कम से कम, इनको देख ब्रॉन्ज मिला है, इनको सिल्वर मिला है, मतलब हमारे स्टूडेंट्स में से 3 मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन है, तुम लोगों को मालूम है, मालूम है ना अनुवाद ब्यूरो 1971 में स्थापना हुआ है, पूरे भारत सरकार की एकमात्र संस्थान है जो अनुवाद प्रशिक्षण का काम करती है, और उसमें 3 मेडल में 2 मेडल आप नंदिनी को सिल्वर मिला है, उनको ब्रॉन्ज मिला है। नंदिनी गुजरात से आई थी तो आप भी नौकरी में जाएंगे, और ये अनुवाद ब्यूरो का है, सुना है क्या आप लोगों ने? इनका नाम प्रिंटेड है उसमें और भारत सरकार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। ऐसे ही सर्टिफिकेट पर हमारी नौकरी हुई थी, मतलब PhD की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। और ये डायरेक्ट अनुवाद ब्यूरो का सर्टिफिकेशन है, इतना मजाक नहीं है। तुम लोग PhD करते हो वो कोर्स एफिलेट करने में ये लोग का योगदान होता है, मतलब वो कोर्स इन लोगों ने डिजाइन करके दिया होता है, और डायरेक्ट एफिलेशन का मतलब समझ रहे हो, अगर ये लेकर जाएंगे ना ये वाला कहीं भी तो इनसे ये हिम्मत नहीं करेगा पूछने का कि PGDT किए हो, एटलीस्ट इतना तो है इस चैनल का सर्टिफिकेट नहीं है। जितने प्रशिक्षित अनुवादक है वो वहाँ भाग लेते हैं और कंपटीशन में कॉम्पीट करके एज ए ट्रांसलेटर अगर आप मेडल लेकर आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आप सिर्फ ट्रांसलेशन का एग्जाम पास करके जॉब नहीं ले रहे हो, ये बियर करना अपने साथ कि हाँ एक अच्छा अनुवादक आप हो, प्रूव कर जाइए, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे नहीं तो कम से कम कंट्री लेवल पे एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर के रूप में तुम जाने जाओ, मतलब भारत में अनुवाद के स्तर पर तुम्हारी स्थिति 3rd नंबर की। अगर ये देखो आप अपने प्रोफाइल में लिखेंगे ना कि समझते हो भाई ऐसे अनुवादक आप इनको जो देख रहे हो ये भारत में जितने अनुवादक है उसमें रैंकिंग में नंबर 3 के अनुवादक आपके सामने खड़े हैं, समझ में आ रहा है, बड़ी बात होती है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और जो लड़की 2nd पोजीशन लाई है उसके बारे में बता दे, उसका JSP पेपर 1 में जब आई थी ना हमारे पास उसका स्कोर कितना था? 96 था, 6वां नंबर था ना नंदनी का, और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो 165 से सिलेक्शन लेके गई थी। आज वो लड़की ऑल ओवर इंडिया में रैंक 2 है एज ए ट्रांसलेटर, समझ आता है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को इनका अनुवाद उससे बेटर अभी तक जितने हम जितने लोगों मतलब मेरे साथ जो लोग काम किए हैं अनुवाद अगर स्पेशली बोले पर्टिकुलरली अनुवाद बाकी क्वेश्चन छोड़ो इनका अनुवाद अभी तक का बेस्ट अनुवाद है इनका और तनुश्री सीमा जी का भी अच्छा नहीं इनका और सीमा का लगभग एक जैसा रहता है सीमा से बेटर इनका इसलिए रहता है क्योंकि इनका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एक्सपोजर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत अलग अलग फील्ड में कई कितने साल तो सनमार्क के संपादक के रूप में भी काम किए तो वो पकड़ अच्छी है हिंदी की और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का बैलेंस बढ़िया है सीमा जी का हिंदी पे कमांड अच्छा है इनका क्या है कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है ये एक पॉजिटिव पॉइंट ठीक है इसलिए
उन लोगों को ये छोटा मोटा काम करके खुश होने के लिए चाहिए तो नौकरी वोटरी लेकर ठीक है, बाकी आगे कुछ करना है बहुत कुछ है। ठीक है, आइए।